राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज राज्यसभा में जैसे ही किसानों की बात शुरू की उनका माइक बंद कर दिया गया। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान उपसभापति के पुकारने पर सदन में बोलने खड़े हुए दीपेंद्र हुड्डा ने जैसे ही किसानों की बात उठाई उनका माइक बंद कर दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार को किसान शब्द से ही चिढ़ हो गई है। किसान का नाम सुनते ही पूरी सरकार बौखला जाती है। देश के किसान की आवाज देश की संसद में नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहां सुनी जाएगी। सरकार आज हट और घमंड में इस कदर कायम है कि संसद में और संसद के बाहर भी विपक्ष और किसान दोनों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। न ही विपक्ष की आवाज दबेगी न ही किसान की आवाज दबेगी। इससे पहले भी दीपेंद्र हुड्डा ने आज भी राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया, जिसे अस्वीकार कर सभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में भी सरकार और विपक्ष के बीच कड़ा गतिरोध बना रहा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो लगातार नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दे रहे हैं, लेकिन माननीय सभापति बिना चर्चा कराए उसे खारिज कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती। उन्होंने कहा है कि 8 महीनों में 400 से ज्यादा धरनों से वापस गांवों में जा चुके हैं, फिर भी किसान मौसम और सरकार की मार सहकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या देश के अन्नदाता देश के नागरिक नहीं है? सरकार जवाब दे। उन्हें चेताया है कि जब तक सरकार संसद में किसानों की बात नहीं सुनेगी वे भी सरकार की बात नहीं सुनेंगे। हल्ला बोल हरियाणा।